हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपके सामने लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया है दोस्तों, बड़ी दर्दनाक न्यूज़ है। चिटफंड कंपनी के एजेंट ने परिवार सहित पिया जहर, निवेशक बना रहे थे रुपया लौटाने का दबाव। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ये न्यूज़ और एजेंट आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। दोस्तों, रामानाथ गाँव के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मकान में बीती रात हुई थी यह घटना। एजेंट, उसकी पत्नी और बेटे की हालत फिलहाल स्थिर, इलाज जारी। डीजीपी ने प्रदेश भर में एसपी को निर्देश वापस लिए, जांच एजेंटों के खिलाफ केस। पूरी खबर भास्कर, दैनिक भास्कर से। दोस्तों, 3 दिसंबर 2019 की समय 2:26, रामानाथ गांव छत्तीसगढ़ में राजनादा गांव ज़िले में चिटफंड कंपनी के एजेंट ने जहर पीकर खुदकशी करने की कोशिश की। एजेंट के साथ उसकी पत्नी और बेटे ने भी जहर पी लिया था। सोमवार को देर रात हुई इस घटना की जानकारी मिलने पर सुबह इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों की हालत फिलहाल सुधार है। यह प्रकरण चिटफंड घोटाले से जुड़ा है। पूरी खबर, 40 लाख रुपये का है मामला। राजनादा गाँव में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एजेंट के तौर पर निवायक पुराणिक काम किया करता था। करीब 50 लोगों से 40 लाख रुपये निवायक ने कंपनी में जमा कराए थे। इसके बदले में निवेशकों को हर महीने ब्याज मिलता था। हाल ही में उजागर हुई गड़बड़ियों के साथ ये लोग ब्याज नहीं मिल पा रहा था। कंपनी का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में निवेशकों ने अपने पैसे लौटाने का विनायक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी से तंग आकर विनायक ने अपनी पत्नी वृंदा और बेटे देवांता के साथ जहर पी लिया। फिलहाल परिवार को लोगों ने पुलिस के बयान लेने के प्रयास कर रही है। डीजीपी बोले एजेंट के खिलाफ मामले वापस ले पुलिस। डीजीपी डीएम अस्थी ने मंगलवार को सभी एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस दौरान जानकारी सामने आई कि राजनादा गाँव में चिटफंड कंपनी के संचालक प्रेम देवागन की संपत्ति कुर्क कर 7 करोड़ 61 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा करवाए हैं और यह पैसे अब निवेशकों को लौटाए जाएंगे। डीजीपी ने निर्देश दिए कि चिटफंड कंपनियों के एजेंटों पर चल रहे प्रकरणों को न्यायालय के माध्यम से वापस लिया जाए। सरकार के फैसले के तहत डीजीपी लोगों का पैसा लेकर गायब हुई है। कंपनियों के मालिकों की संपत्ति कुर्क करने का पैसा लौटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले बिलासपुर में भी एक कंपनी ने 2 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर डीजीपी का पैसा लेकर गायब हुए कंपनियों के मालिकों की संपत्ति कुर्क करने और पैसे लौटाने की कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त डीपी जी के द्वारा कराई जा रही है और एजेंटों के ऊपर जो प्रकरण चल रहे थे उनको भी वापस लेने के लिए एक निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। दोस्तों, न्यूज़ बहुत बैड न्यूज़ है। दोस्तों, ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आई जिसको दोस्तों सुनकर हमारा भी मन विभोर हो गया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।